हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मन ऑफ द ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। सो मॉर्निंग हो चुकी है स्टार्ट और फिलहाल आज है संडे और आज का दिन बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। खुशी खुशी बोला भाई बाहर एक राउंड मरवा के लाओ मुझे पापा। सो अभी फटाफट उनको बाहर राउंड मरवाने जाता हूँ और कीर्ति तब तक ब्रेकफास्ट बनाती है। खुशी के सामने तीन डॉग यहाँ गए। खुशी रुक, खुशी यहाँ डॉग, चलो भाई। डर रहा है कुछ समझ में नहीं, बातें भी कर रहा है खुशी तो उनके साथ। खुशी उनके हिसाब से अकेले अकेले चल रहे हैं पूरे रोड में और हम आए हैं बाहर राउंड मारने के लिए। देखो उंगली भी नहीं पकड़ने दे रहा है, अपने हिसाब से चल रहे हैं। देखो भाई खुशी अपना पैकेट लेके चल रहा है। तो खुशी चुटुक 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 जा रहे हैं। चलो चलो, बहुत नौटंकी कर रहा था, पूरे रास्ते में पैकेट लेके चल रहा था, दुकान से पैकेट ले लिया, अभी खा रहा है। नौटंकी कर रहे हैं उनकी मम्मी के सामने और अभी खाना में है हमारा देसी खाना गुजराती घी वाली भाकरी और साथ में चाय और दूध और अचार भी है। अभी दो अचार हो गया, एक अचार आया है हमारे गाँव से, मेरी भाभी ने भेजा है, ये खाते हैं अभी, मिलते खाने के बाद। सो गाइज, अभी नाश्ता पानी करके हम निकल गए हैं न्यूट्रिशन कैफे ऑफिस जाने के लिए और फिलहाल आज संडे है तो मजे करना है, लेकिन थोड़ी देर काम भी करना है। तो अभी तो पहले तो गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो गया है तो पेट्रोल भरवाने जाऊंगा और फिर वहां से ऑफिस जाएंगे और एक दो अपॉइंटमेंट हैं, लोगों को बुलाया है, सब उनको मिलेंगे और बातचीत थोड़ी बहुत करेंगे और वीडियो एडिटिंग करके अपलोड भी लगाना है। मतलब बहुत सारा काम अभी साथ साथ में हो रहा है तो ये सारी चीज़ कंप्लीट करेंगे। अब बर्थडे पार्टी में आज जाना है, उसके लिए गिफ्ट भी लेके जाना है। तो अभी गिफ्ट तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा क्या गिफ्ट लूँ, तो देखना पड़ेगा। एक जगह पर जाएंगे फिर पता चलेगा कौन से गिफ्ट लेते हैं। पेट्रोल का रेट भी 105 के ऊपर हो गया है, जबरदस्त भाव भी बढ़ रहा है पेट्रोल का। माय गॉड, 3 बजने को आ गए हैं, 3 बज ही गए ऐसे समझो, क्योंकि अभी इतना काम करने के बाद भी टाइम नहीं मिला था। सो अभी फटाफट घर जाऊंगा और हल्का फुल्का खाऊंगा क्योंकि नाश्ता वास्ता तो बहुत हो गया और फिर जाना है कीर्ति खुश को लेके बर्थडे पार्टी में और ज़बरदस्त वहाँ पे मुझे करना है। तो पहले तो गिफ्ट लेने जाएंगे, अभी तो मैं पहले घर जाता हूँ फिर थोड़ी देर रिलैक्स हो जाता हूँ फिर जाएंगे बर्थडे पार्टी में। और तो यार ज़बरदस्त यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी देखो पूरी हालत कैसी कर दी। बाइक का हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा और एयर बैग भी खुल गई है। देखो हमारे पास पब्लिक इकट्ठा हो गई है, नई गाड़ी ठुकेगी। वो वाले तो रेंज रोवर है कि हैरियर है लेकिन अच्छे से ठुके हैं। तो गाइज आप भी गाड़ी देख के चलाना, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे गाड़ी चलाऊँ, मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ। फिलहाल हाईवे पे भी निकल जाऊँ तो 90-100 तक कभी कभार हो जाता है कि ज़्यादा चला देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर इतना नहीं चलाता हूँ और माता जी की कृपा है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, अच्छा है तो आगे भी नहीं हुआ, गॉड ब्लेस यू। सो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, हम चलते अभी फटाफट घर पे। खुशी खुशी रेडी हो गया है, कीर्ति भी रेडी हो गई है। हाय हाय, जाने के लिए तैयार हो? यस। ओहो दोनों मस्त लग रहे हैं, कीर्ति और खुश, और हम पूरा ब्लैक ड्रेस में है, एकदम ब्लैक एंड ब्लैक। सो अभी फटाफट निकलते हैं जहाँ जाना है वहाँ पे। इवनिंग हो गई, रात के 7 बज गए हैं, खुशी भाई सो रहा था इसलिए हमने कुछ नहीं किया और फिलहाल हम तीनों अभी रेडी हैं, फटाफट गाड़ी लेके निकलते हैं। पहले हम गिफ्ट लेने जाएंगे और उनके बाद जाएंगे वहाँ पे बर्थडे में और हमारे साथ एक दो लोग और भी आने वाले हैं। और खुशी भाई देखो अभी सो के उठा है इसलिए नींद में ही है, ऊँ ऊँ कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, उनको लग रहा है क्लब में जा रहे होंगे।
तो खुशी भाई ऐसा नहीं है, पूल पार्टी में जा रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहे हैं। और जिसका बर्थडे है उनकी एज 40 साल की है, सो मस्त उन्होंने कोर्स रखा है 40 to 90 यानी कि 40 साल उन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं और मज़ा आने वाली है। ज़बरदस्त 5 बजे से शुरू है पूल पार्टी का, लेकिन हम लेट इसलिए जा रहे हैं, खुश ने नींद ले ली है और हमको नहाना नहीं था पूल में, इसलिए थोड़ा लेट जा रहे हैं जी। गिफ्ट ले लिया है, ये गिफ्ट ये है परफ्यूम वाला, अलग अलग परफ्यूम पेन वाला है। चलो पैकिंग करते हैं फटाफट, फिर निकलते हैं। हाय गिगली, हाय, दोनों के सेम हो गए क्या? हाँ। अरे वो क्या बात है, ओह माय गॉड, देखो दोनों के टी-शर्ट सेम है। अरे ऊपर भी ब्लू नीचे ग्रीन, क्या बात है। तो अभी भाई हम निकल गए हैं, इतने लोग हैं, 4 ही। अभी जिसके पास बलून है स्टेज के पास आ जाओ। हाँ दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई। आप पेंट हो गए, कम ऑन कपल्स, कम ऑन। तो गाइस ये ग्रुप क्यों बैठ गया, स्टार्ट हो चुकी है, अलग अलग गेम शुरू हो गई है। चलिए चलिए सभी लोग स्टार्ट, तो हम भी खेलना चाहेंगे। वाह क्या बात है, खुशी इधर सर्कल में। हम सब हार गए हैं तो यहाँ पे खाने के लिए आ गए, बाकी जबरदस्त हार मिली है। सुन भी लिया और देख भी लिया कि हाँ नॉटी थे, पर मम्मी के तो बेबी भाई थोड़ा हल्का सा पेट पूजा करेंगे। प्लीज मैम आ जाइए। मस्ती में सबसे तो अभी जबरदस्त खाना अलग अलग टेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। खुशी पे खा नहीं रहे, बहुत ही हैरान परेशान कर रहे हैं। 2 घंटे हम इधर रहे, पापा को यहाँ से यहाँ भगा रहे हैं, सिद्धि और बहुत अच्छी। सैन फोटो शूट कर रहे हैं, वाह गया मैं। इनको लगा मुंह डायरेक्ट केक मुंह में आ जाएगा। ये ले भी लेंगे, फर्स्ट ये कट करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट। लैप करोगे ना? 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, happy जबरदस्त, बहुत ही खुशी दौड़ा रहा है, डांस करवा रहा है वहाँ ले जा के, जबरदस्त खाना है, बहुत ही ओह माय गॉड हैवी हो जाने वाला है।
कीर्ति तो खा ली, अभी कीर्ति का टाइम है डांस करने के लिए, खुश ले जाएगा। हम खाते हैं जबरदस्त। खुशी और योगी जबरदस्त, बहुत ही मजा आया। फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं घर की ओर, बहुत ही मजा आया रियली। और बर्थडे सेलिब्रेशन में भी बहुत मजा आया, सुनील जी का एक नंबर था। अभी फिलहाल घर पहुंचना जरूरी है क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। हम जा रहे हैं घर पे और बहुत ही मजा आया। कैसा लगा कीर्ति फिलहाल? बस इतना ही मजा है, खुश तंग करता है, मतलब मजा ही मजा है। जबरदस्त विला है, आप भी अगर सूरत में है और बर्थडे मनाने चाहते हो तो विला में बना सकते हो। विला में जरूर मनाना क्योंकि बहुत ही अंदर से इंटीरियर अच्छा भी अच्छा है और बाहर से भी मस्त लोकेशन है। और वो विला का नाम आपको बता दूं, DNG विला है और डुमस साइड है ये विला। सो आप एयरपोर्ट साइड अगर जाते हैं तो वहाँ पे ये विला मिल जाएगा और आप रिसर्च करके पूरा बुकिंग करवा सकते हो। कुछ 60,000 जितना रेंट है उसका या पर डे का, तो उस हिसाब से आप बुकिंग करवाना चाहते तो कर सकते हो। बाकी फिलहाल सुमित जी का बर्थडे एक नंबर सेलिब्रेशन था और सब फूड भी बहुत ही बेस्ट था, तो अच्छे से सारी चीज हुई। और उससे पहले सब पूल में, स्विमिंग पूल में नहाए थे, बहुत मजे किए थे। हमको भी बोले थे लेकिन हम नहीं गए क्योंकि खुश भाई सो रहा था और ज्यादा खुश को नहलाना नहीं था, इसीलिए हम गए नहीं क्योंकि सर्दी जुकाम। हाँ, उनके बाद ये सब डीजे पार्टी और गेम भी, जाते ही हम गेम सब खेले तो वो भी बहुत ही अच्छा था। गेम में मजा आया, उसमें पहले मैं हार गया फिर कीर्ति, बाकी सब धीरे धीरे करके हार गए क्योंकि खुश की वजह से मैं तो आ रहा था, क्योंकि खुश को गोदी में लेके सब जगह पे जाना, घूमना दौड़ना ये सब नहीं हो पा रहा था। शॉर्ट में बोलो तो पूरा एंजॉय किया हमने वहाँ विले में। तो अभी फिलहाल आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। हमारे चैनल पे नहीं आए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे और आपको खुश करते रहेंगे और हम भी खुश होते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गोपाल आहिर व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू, बाय बाय खुशी। 1, 2, 3, come on!